तो सबसे बढ़िया तो भाई देखो फ्लैट रहती है, जो फ्लैट लाइट होती है वो आपकी होगी कर्व में। ये देखो ये धनुष बना हुआ इस लाइट का, ये देखो ये लाइट है कर्व में, ये लगती है भाई। आप भाई एक बारी लुक देखो लाइट, कितनी तगड़ी लुक आ रही है लाइट की। आप पत्ती वत्ती सेट करानी पड़ती है इसको भाई, डबल टेप और उसके बाद जो टाई वायर आती है उससे सेट कर सकते हो आप, कहीं भी पाइप पे भी लगा सकते हो। और भाई कपड़े की छतरी है, कपड़े की छतरी पे भी लगा सकते हो, उसमें भी काफी अच्छी दिखेगी ये लाइट। तो नमस्ते, राम राम भाई सभी को। तो भाई आज आपको दिखाएंगे एलईडी लाइट का पूरा सेटअप, और भाई सारे तरीके की एलईडी लाइट, जितनी भी एलईडी लाइट आती है ना, आप खुद देखना कि आप उन लाइटों को भाई कहाँ कहाँ लगा सकते हो, मॉडिफाई कहाँ कहाँ कर सकते हो। सारी लाइटों के आपको आज भाई डिटेल में कनेक्शन बताएंगे, क्योंकि कई भाइयों की कमेंट आते हैं कि भाई कनेक्शन भी बताओ, तो आज कनेक्शन भी बताएंगे सारी लाइटों के। और तो भाई बारी बारी आप सबको लाइट दिखाएंगे, जैसे ये वाली बार लाइट के सारे मॉडल रखे हैं, जो सबसे ज़्यादा जो मॉडल चलते हैं वो ये वाले मॉडल हैं भाई। आते बहुत तरह की लाइट हैं, लेकिन जो मरकरी में लाइटें चलती हैं ना, जैसे ये मरकरी हो गई, देखो दो तरीके की लाइट होती है, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। एक तो हो गई भाई आपकी प्लेन, ये प्लेन हो गई, और एक हो गई भाई ये मरकरी, ठीक है। ये दो तरीके की लाइट होती हैं, बस इसका थ्रो जो होता है वो थोड़ा सा चौड़ाई में होता है, इसका थ्रो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन इसका थ्रो ये मरकरी की वजह से थोड़ा सा चौड़ा चला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भाई यही चलती है, ठीक है। अब इन सारी लाइटों को आपको एक बार ऑन करके दिखाएंगे, और भी लाइटें हैं, और इसके बाद भी दूसरी लाइटें रखे हैं, क्योंकि भाई काउंटर अपना छोटा सा है, इस पर जितनी लाइट आई हमने उतनी पूरी जचा दी। इसके बाद आप दूसरी लाइट रख के सारी चेक कराएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको 41 इंच से जो ये बैंड में लाइट है ना, तो ये तो होगी भाई देखो फ्लैट में सारी लाइटें, देखो इसमें भी दो तरह की क्वालिटी चली हुई है, एक तो ये होगी हैवी क्वालिटी, एक इससे भी हैवी आती है, वो भाई थोड़ा कॉस्टली हो जाती है, लेकिन क्वालिटी वो भी अच्छी होती है। और देखो ये वाली जो क्वालिटी है ना, इसकी भी बढ़िया क्वालिटी है, हैवी में है, एक इससे भी हल्की आई हुई है, बिल्कुल पतली लाइट होती है वो भाई, चलने का चलती वो भी है, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम ही रहता है उसका। जैसे ये 21 इंच में हो गई आपकी, ये भाई 31 इंच में हो गई आपकी, और ये हो गई भाई 41 इंच में आपकी प्लेन। ये देखो 41 इंच में प्लेन है, इसमें ऐसी मरकरी भी आती है 41 इंच में, आपकी होगी कर्व में। ये देखो यह धनुष बना हुआ इस लाइट का, ये देखो ये लाइट है कर्व में, ये लगती है भाई आपकी जो ये नई डिजाइन वाली जो छतरी है ना, फाइबर की जो छतरी है उस पर 41 इंच की है भाई, बढ़िया फिट हो जाती है। तो भाई इन लाइटों की एक प्रॉब्लम होती है, जैसे ये कर्व वाली लाइट है, तो जिन सबकी लाइटों की अच्छाई भी होती है और भाई उनमें दिक्कत भी होती है। तो इस लाइट की सबसे बड़ी दिक्कत एक क्या होती है, क्योंकि ये बैंड में हो गई, और इसकी जो ये लाइट है ना, जो अंदर की इसकी पीसीबी है, तो भाई ये बैंड होने के कारण कई बारी जैसे एक लाइन बंद हो जाएगी, जैसे हम नए पीस में ही दिखाते हैं आपको, ये ऑन करके दिखाते हैं एक बारी, आप इसको देखना, जैसे नए पीस में भी आपको कई बारी मिल जाती है, जैसे हमें मिल जाती है भाई नए पीस में भी एक लाइन बंद हो गई या कुछ टाइम बाद कस्टमर, तो इसलिए हम ज़्यादा रिकमेंड करते नहीं ये चीज़। आप फ्लैट लगाओगे तो भाई फ्लैट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जैसे ये ऑन करके आपको दिखाएंगे, ये देखो पूरी सही चल रही है, लेकिन ये देखो ये बीच में एक लाइन आपकी बंद हो रही है, कई जगह बंद हो रही है, क्योंकि भाई ये नेचुरल चीज़ है, बैंड होगी तो यहाँ से इसके कनेक्शन हटेंगे कहीं ना कहीं से, या आप नहीं हटेंगे तो भाई एक महीने दो महीने बाद हटेंगे। तो सबसे बढ़िया तो भाई देखो फ्लैट रहती है, जो फ्लैट लाइट होती है वो बहुत अच्छी रहती है। अब जैसे इसकी रोशनी आपको दिखाते हैं हम, तो इसका थ्रो भाई थोड़ा सा लंबा जाता है, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टर लगे हैं ना, ये सिल्वर ये थोड़े गहरे हैं, जिसकी वजह से थ्रो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाएगा। और भाई आप ये 31 इंची आपको चेक कराते हैं, इसका थ्रो देखना, क्योंकि इसका थ्रो ज़्यादा इसलिए मिलेगा क्योंकि इसके साइड के मरकरी लगी हुई है, और इसकी जो चिप होती है वो ज़्यादा वाट की होती है, तो रोशनी काफ़ी तेज आपको देखने को मिल जाएगी, और चौड़ाई में भी रोशनी होगी और भाई लंबी भी रोशनी आपको मिलेगी, और ऐसी रोशनी आपको ये जो 21 इंच आती है ना इसमें मिल जाएगी। ये देखो भाई, तो भाई ये सब चीज़ें हैं, इनके रेट वगैरह पता करने के लिए ऊपर आपको यहाँ नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे आप हमें पूछ सकते हो। और मेन मकसद ये है लाइट दिखाने का कि आपको कैसी लाइट लेनी चाहिए, कैसी नहीं लेनी चाहिए, लाइट आप कहीं भी ले सकते हो, पर भाई थोड़ा क्वालिटी देख के लाइट लो,
हल्की लाइट में, और हमेशा वायरिंग करो तो भाई बढ़िया वायरिंग करके लगाओ। आधी लाइफ लाइट की वायरिंग से ही होती है। लोग लाइट अच्छी ले लेते हैं लेकिन उसमें वायरिंग हल्की डाल देते हैं बिना कॉपर की एल्युमिनियम की, तो भाई लाइट जल्दी खराब होगी होगी। तो भाई ये लाइट करते हैं अभी साइड में, और आपको जो और लाइट है हमारे पास वो लाइटें दिखाते हैं। भाई वो जो आप लोगों ने लाइट देखी थी वो तो थी भाई काम की लाइट, जैसे आगे रोशनी वाली। भाई अब जो लाइट दिखाएंगे आपको वो है सारी मॉडिफिकेशन की लाइट, शो वाली लाइटें जिनका तो मॉडिफिकेशन में जो यूज़ होती है और जो बिल्कुल अच्छी लगती है लगाने के बाद, जो भाई ट्रैक्टर की भी शो बना देगी बहुत तगड़ी। जैसे ये पहले नंबर पे आ जाती है भाई एटमॉस्फेयर लाइट, अब गाड़ियों में लगाते हैं भाई, ट्रैक्टरों में भी लगाते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है लाइट की, वो लाइट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, वाटरप्रूफ लाइट होती है फुल। बस ये कंट्रोलर को, जैसे ये कंट्रोलर होता है ना, इस पे भाई पोलोथीन लपेट के तब आप सेट करो, इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। भाई कोई भी चीज़ है कितनी बढ़िया ले लो, पानी जाने के बाद ख़राब हो ही जाती है। बस ये बचा लो, आपकी कहीं से भी लाइट ख़राब नहीं होती। एक बारी मैं आपको ये वाली लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। इसमें आपको ये प्लग मिल जाएगा ट्रैक्टर में सीधा, आजकल तो भाई सब में ये चार्जर डालने वाला प्लग आ रहा है। और इसमें क्या खास बात है, इसमें बटन दे रखा है, उसमें डाल के छोड़ दो और भाई बटन ऑन ऑफ करोगे या चल जाएगा। अभी चेक कराने के लिए सिर्फ तार लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको भाई ये रिमोट मिल जाता है और कई कलर मोड होते हैं, जो आप कोई भी कलर मोड, जैसे ये देखो ब्लू, और सबसे तगड़ी जो, जब आप अपना म्यूजिक सिस्टम बजाओगे ना, जैसे बोलोगे या आवाज़ आएगी उसके हिसाब से भाई ये चेंज हो जाएगी लाइटें। ये भी बहुत तगड़ी चीज़ है, कोई भी कलर कर लो यार, रात को आपको कोई भी कलर चाहिए तो ये नहीं होगा भाई, अलग अलग लाइट लगानी पड़ेगी, एक ही लाइट में सारे कलर आपके चल जाते हैं। तो उसके बाद आती है भाई ये राउंड वाली, जो स्कल वाली भूत की खोपड़ी जो होती है, खोपड़ी वाली लाइट आती है, तो ये वाली लाइट आपको मिल जाएगी। HJG के अंदर होती है और इसकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी भाई HJG में आपको। और जिसमें राउंड जो गोल लाइट होती है ना, जैसे बुलेट में हो गई, थार में हो गई, उनमें कामयाब है, उनमें बढ़िया लग जाती है ये लाइट। बाइक में लगाओ भाई, गाड़ी के लिए तो थ्रो काफ़ी कम रह जाएगा इन लाइटों का, लेकिन बाइक में आप लगाओगे तो काफ़ी अच्छी है। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए काफ़ी सारे मोड हैं, ये एक बारी पोलोथीन उतार लेते हैं, थोड़ा और बढ़िया पता चल जाएगा। ये देखो, तो भाई इसके मोड दे रखे हैं अलग अलग, जैसे ये अंदर की स्कल जो चेंज करने के हैं कलर, उसके तार अलग है, और भाई आपके ये जो साइड का रिंग जलाने के तार अलग है, और ये अंदर के जो प्रोजेक्टर है ये जलाने के तार अलग है। तो अब जैसे इसमें भी जो ये स्कल है, इसमें भी काफ़ी कलर मिल जाएंगे, जैसे मैं आप चेंज करके दिखाते हैं एक बार आपको। ये देखिए, इसमें ग्रीन भी मिल जाएगा, रेड, और मल्टी कलर में चलेगी भाई ये बहुत तगड़ी। और अब आपको इसके साइड का रिंग चला के दिखाते हैं। ये देखिए, ये रिंग आपका ऐसे हो जाएगा, रिंग का कलर भी आपका चेंज हो जाएगा भाई इसका, जैसे आप इसको इंडिकेटर में भी कर सकते हो या वैसे भी चला सकते हो। भाई एक बारी लुक देखो लाइक कितनी तगड़ी लुक आ रही है लाइट की। अब एक बारी बीच वाला प्रोजेक्टर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हाई बीम लो बीम दोनों के ऑप्शन मिलेंगे भाई इसमें, और थ्रो भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा लाइट का। तो इसके बाद आपको दिखाते हैं भाई एक नॉर्मल लाइट जो चली हुई है, नॉर्मल जैसे ये लाइट हो गई, स्प्लेंडर में लगती है भाई। 56 तरह की क्वालिटी आती है इस लाइट में भी, ये आपको मेरे ख्याल से 400 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और भाई 1000-1200 जाती है ये लाइटें भी। लेकिन इसमें दो मोड हैं, एक ये आपकी ब्लू जलेगी, एक इसमें PCR भी आती है, जैसे रेड ब्लू जलती है ना वो भी आती है। और इसमें आपको एक बीम मिलेगा, ब्लू मिलेगी और एक पूरा फोकस वाला बीम मिलेगा। ये देखो, पूरा फोकस वाला बीम मिलेगा इसमें। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है भाई, फ्लेक्सिबल जो ये पुलिस वाली लाइट होती है रेड ब्लू, आपने देखी होगी, उसमें ये अपने पास फ्लेक्सिबल आई हुई है। ये देखो, इसका फ़ायदा क्या है कि भाई जैसे ट्रैक्टर की छतरी में लगानी है तो छतरी जो फ्रंट में होती है ना छतरी, उस पर लगा सकते हो, और भाई कितनी भी इसको बैंड कर लो ये ख़राब नहीं होती लाइट, और फुल वाटरप्रूफ लाइट होती है। जैसे ये देखो, अब जैसे और प्लास्टिक की या दूसरी मेटल की लाइट लगाओगे तो भाई उसका पूरा फ्रेम बनवाना पड़ता है, पत्ती वत्ती सेट करानी पड़ती है। इसको भाई डबल टेप और उसके बाद जो टाई वायर आती है उससे सेट कर सकते हो आप, कहीं भी पाइप पे भी लगा सकते हो, और भाई कपड़े की छतरी है, कपड़े की छतरी पे भी लगा सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छी दिखेगी ये लाइट। और सिंपल कनेक्शन होते हैं, सिर्फ दो वायर होती हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ दो वायर होंगी, ऑटोमेटिक पे चलेगी लाइट, और भाई रात को जो लुक आती है ना वो काफ़ी तगड़ी मिलती है। हमने ट्रैक्टर में इंस्टॉल कर रखी है,
आप हमारे चैनल में जाओगे, वीडियो में आपको सारी लाइटें ये दिख जाएंगी जो हमने इंस्टॉल कर रखी है। उसके बाद आती है भाई एक पीसीआर में ये लाइट, जो दो तरह की आती है, एक इससे दूसरा मॉडल होता है छोटे वाला, एक ये बड़े वाला S1 मॉडल होता है। लेकिन इसकी जो लाइट का थ्रो है भाई वो बहुत तगड़ा मिल जाता है आपको, इस लाइट का थ्रो बहुत तगड़ा मिलेगा आपको। और सारे इसमें मोड दे रखे हैं ये देखो, जिसमें आपको वाइट फ्लैशर, कई भाई बोलते हैं कि वाइट फ्लैशर भी चाहिए हमें, तो भाई ये देखो वाइट फ्लैशर मिलेगा। ये दिन में है भाई, रात को तो बहुत ज़बरदस्त मोड मिलता है। आप गाड़ी में लगा सकते हो, ट्रैक्टर में लगा सकते हो, बाइक में लगा सकते हो, जहाँ मर्जी लगा सकते हो, दिमाग लगाओ बस थोड़ा सा, कहाँ फिट हो सकती है भाई वहीं लगा सकते हो आप इसको। अब इसके बाद दिखाएंगे भाई एक और लाइट, फटाफट दिखाएंगे भाई क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो भाई बोर ना हो जाए, इसके लिए फटाफट दिखाएंगे। ये आपकी इंडिकेटर, जो बेंच वाले इंडिकेटर आते हैं, ये वो है, कस्टम होते हैं, आप कहीं भी लगा सकते हो किसी भी, जैसे आपने कोई गाड़ी अपनी कस्टमाइज करी है, ट्रैक्टर कराया है भाई, ट्रैक्टर के पीछे आपको लगाने हैं तो ये लगा सकते हो, जिसमें आपको लेफ्ट राइट दो मॉडल, दो तरह के मिलते हैं, लेफ्ट भी राइट भी। जैसे इसमें आपका ये हो गया बीच में, ऑन करते ही पार्किंग जो चलेगी आपकी, और फिर बाद में आपका ब्रेक लाइट भी हो गई, ये देखिए आपकी ब्रेक लाइट भी हो गई और आपका इंडिकेटर भी भाई इसमें हो जाएगा। जैसे आप इंडिकेटर चला के दिखाते हैं आपको, ये देखो आपकी उसमें रिले लगी होगी तो इंडिकेटर में बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके बाद फाइबर की छतरी की भाई एक और लाइट आपको दिखाएंगे, जैसे ये वाली लाइट आ गई फाइबर की छतरी की, एक बार ये हटा देते हैं, ये भाई लाइट लाइट हो गई क्योंकि इतनी सारी वैरायटी है भाई, ये भी आधी वैरायटी है, पूरी वैरायटी तो एक वीडियो में दिखाई नहीं जा सकती, फिर बाद में दूसरा पार्ट भी बनाएंगे इसका, फिर बताएंगे। आप बताना कि आपको और कौन सी लाइटें चाहिए या उनकी इंस्टॉलेशन चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, तो भाई आप कमेंट करके बताओ, आपको उसी चीज़ की वीडियो मिल जाएगी और उसी मॉडिफिकेशन पार्ट की वीडियो मिल जाएगी। जैसे ये वाली लाइट है, ये आपने देखी होगी भाई, जो ट्रैक्टर की फाइबर की छतरी आती है उस पर ये लाइट लगती है साइडों पे। कई भाई समझ गए होंगे और कई भाई नहीं समझे होंगे तो भाई उनको पता चल जाएगा, ऐसे वीडियो देखोगे ना तो ये ऐसे साइड में ऐसे लगती है, दो लाइटें लगती है, एक इस तरफ लगती है एक उस तरफ लगती है, ये ऐसे करके ऐसे, तो भाई ये लाइट मिल जाएगी। दो तरह की मोड मिल जाएंगे इन लाइटों में भी आपको, और सबसे बढ़िया बात प्योर कपलर आता है पूरा हर एक लाइटों में भाई। जितनी भी हम लाइट दिखाएंगे ना आपको, उसकी हम वायरिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि भाई आपकी वायरिंग अगर सही है ना तो लाइट भाई नहीं ख़राब होती। लोग बोलते हैं ना LED लाइट कम चलती है, ये होता वो होता, भाई आप अच्छे से इंस्टॉलेशन करो, लाइट कहीं नहीं जाती, और भाई थोड़ा हल्की वायर हल्के स्विच लगाओगे तो लाइट ख़राब होती है, वरना लाइट ख़राब नहीं होती। जैसे ये क्वालिटी वाली चीज़ भाई अलग ही पता चल जाएगी, स्लीव लगा रखी है और ये आपका कपलर आ जाता है, सारी चीज़ है। और उसके बाद इसमें दो मोड मिल जाएंगे, ये भी आप फिट कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है भाई ये लाइट, ये इस सीजन में भाई वो थी, क्या बोलते हैं उसको, सबसे चलने वाली लाइट थी ये वाली लाइट। और इसकी खासियत है भाई, छोटे साइज में बड़ा धमाका है ये चीज़, कि साइज छोटा लेकिन इसका थ्रो बहुत ज़बरदस्त मिला है, काफ़ी सारी वीडियो में आपके हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं उसकी भी। और भाई सबसे जो हमारे पास जो सबसे बढ़िया लाइट है वो भाई आज जी की ये लाइट है, ओरिजिनल लाइट है भाई। इस लाइट का रिस्पांस भी बहुत तगड़ा है आपकी बारी, क्योंकि आपको सारी क्वालिटी का वाला प्रोडक्ट मिल सकता है। इसकी फुल डिटेल रिव्यू हमने अपने चैनल में मिल जा चैनल में आपको मिल जाएगी इसका फुल डिटेल, या ऊपर यहाँ पे कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर दबा के भी उस पर पहुँच सकते हो, वीडियो देख सकते हो पूरी पूरी डिटेल में, कनेक्शन और सारी चीज़ें हमने इनबॉक्स कर रखी है, आप प्लीज़ वो वीडियो भी चेक करो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत में आपको दिखा रहे हैं लाइटें, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, और भाई कमेंट करके मेरे सारे भाई ये बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको भाई वीडियो चाहिए उसी टॉपिक, क्योंकि भाई ये देखो पहले थोड़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ भाई, मटेरियल बहुत ज़्यादा है, पूरा साउंड सिस्टम का भी है और अपना LED लाइट्स का भी है, लेज़र मशीन का भी है, कटिंग मशीन का भी है, और भाई अपने नई सीरीज जो है, जैसे गोल्ड ग्लास हमने शुरू करा है अभी आपका कटिंग का, अगर इसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए अच्छी अच्छी वीडियो, तो भाई इसके ऊपर भी हम डाल सकते हैं। आप बताओ यार बस किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, उसी पे आपको वीडियो मिलेगी। तो भाई ये सब था आज की वीडियो में, तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो भाई यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, तो भाई वीडियो भी लाइक कर दिया करो, और आप बताओ ऐसी ऐसी आपको वीडियो मॉडिफिकेशन की ला के देंगे, इसको मजा आ जाएगा आपको, तो धन्यवाद भाई।